जेठा जी एक मोबाइल चाहिए था। कौन सा मॉडल चाहिए? रेड चेरी 8400। ऐसा फोन अपने पास हो ना मजा आ जाए। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वो मोबाइल सुंदर ले गया? शायद। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, और अगर उसने चोरी नहीं की होगी तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। बेना लगता है कि मैं अपनी बैग टैक्सी में भूल गया। बेना वो पुणे के लिए निकल गया है, कल 1 बजे तक बैग लेकर आ जाएगा। बंसीलाल जल्दी जल्दी देखिए, खोलो बंसीलाल। बैग लो। चलो बेना जल्दी, ये खोलो बेना जल्दी खोलो। देखो है कुछ, देखो। चलो बेना चलो, नहीं रहना है यहाँ पे, चलो जल्दी बेना। दया मेरी बात सुनो, दया मेरी बात सुनो। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको। अरे मैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो दया, ये तूने क्या कर दिया? सॉरी, मैंने क्या कर दिया? तू चली गई तो मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना केबल का टीवी, बिना सिम कार्ड का मोबाइल। या मोबाइल ही कहीं निकला हाथ से। यह जेठालाल चंपकलाल गड़ा भी एक प्रतिज्ञा लेता है कि मेरी दुकान में आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं बेचूंगा। नफरत हो गई है मुझे मोबाइल से। त्याग करता हूं मैं मोबाइल का त्याग। ओ माँ, आ गए बैंड वाले। ओ बहू, आइए बापू जी। और दीजिए सजा। सजा क्या किया तूने? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बापूजी। सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। हुआ यूं, रिश्ता तोड़ दूंगी। प्रतिज्ञा खुद ली थी, उसकी वजह से वो खुद घर छोड़कर चली गई है। बापूजी चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ चाचा जी? अरे इसकी वजह से दया बहू घर छोड़कर चली गई है। क्या बात कर रहे हो? अपने साले पे चोरी का इल्जाम लगाता है। What? एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। नहीं बापूजी नहीं, ऐसे अशुभ सब अपने मुंह से मत निकालिए। माता साहब समझाइए ना बापूजी को, वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी देखिए आप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात तू सुन ले मेहता, खबरदार जो तूने जेठा को अपने घर में कदम रखने दिया तो। सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ सब लोग अपने अपने घर में जाओ, जाओ। चल चल चल, मैं नहीं रखूंगा पापा। चलो ए, तुम भी जाओ। ये मेहता अंदर जा। बाबूजी भगवान, ये क्या इतना बुरा समय। अरे दया क्या चली गई, मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों चले गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बापूजी हमेशा कहते थे कि जब इंसान पर बुरा वक्त आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। तो ठीक है बापूजी, मैं आप ही की सिखाई हुई राह पे चलूंगा। मैं इस बुरे समय का डट के मुकाबला करूंगा। भले ही आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं यह गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। एक जमाना था जब ये सोसाइटी वालों को मैं जलेबी फाफड़ा उंधिया खिलाता था। आज वही सोसाइटी वाला मुझे खाना तो क्या पानी तक नहीं पूछ रहे, और यहाँ चाय पाव खाने की बारी आ गई। अरे पाव से याद है, चाय तो तैयार हो गई, पाव तो है नहीं। अरे अब्दुल, जेठा भाई बोलिए। अरे भाई एक पैकेट ब्रेड का देना जरा। 10 रुपए निकालो। अब्दुल तू भी? उधार नहीं चलेगा अभी। बोला बोला जेठालाल, सोसाइटी के नियमों के अनुसार किसी भी मेंबर को उसके निजी कारण के लिए सोसाइटी कंपाउंड में पंडाल या तंबू लगाना मना है। हाँ अभी के अभी ये तंबू उखाड़ दो। हाँ। अरे मेरी पूरी जिंदगी उखड़ गई है, तंबू उखाड़ने की बात कर रहा है। अरे घर से निकाल दिया, कम से कम यहाँ तो रहने दो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। किसने की कंप्लेंट? वैसे तो सभी ने की है, लेकिन खास करके बबीता जी ने। बबीता जी आपने? जेठा जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। भाई, ये हमारा एक सोसाइटी कंपाउंड है, कोई गवर्नमेंट का ओपन प्लॉट नहीं। अरे हाँ, ऐसे कैसे कोई भी इधर आकर झोपड़ी बांध सकता है? हाँ बरोबर है, आज एक ने झोपड़ी बांधी, कल और दो चार लोग आएंगे और झोपड़ी बांधेंगे। अरे ऐसा करके तो पूरे कंपाउंड में झोपड़ा झोपड़ी हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी झोपड़ीधाम सोसाइटी कहलाएगी? जेठालाल ऐसा नहीं चलेगा। मेहता साहब। सॉरी जेठालाल, अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बहुमत तुम्हारे खिलाफ है, क्या करूं मैं? और जेठा भाई, एक बार आपने चोरी की होती ना तो हम आपको माफ कर देते, पर आपने दया भाभी को घर से निकाल दिया। हम में से कोई आपको माफ नहीं करेगा। ए, 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 अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तोड़ दो उसका तम्बू और निकाल बाहर करो उसको। अभी निकालो, बाहर निकालो उसको। पूरा नहीं चाहिए। बाप रे, मेरे भूकंप जैसे जिंदगी से भी ज्यादा भयानक सपना था। हो, ऊपर से ये तो सुबह का सपना कहीं सच हो गया तो? नहीं, इससे तो अच्छा है मैं दया से सुलह कर लूं भाई। दया, ये मोबाइल की पूरी बात को भूल जाओ ना। आपने मेरी हालत चक्की के दो पत्थर के बीच में फंसे हुए गेहूं के दाने जैसे कर दी है और कह रहे कि मैं भूल जाऊं। अब तो पिसना ही मेरा नसीब है। अरे क्या बताऊं दया, मैं भी अंदर ही अंदर पीस रहा हूँ। दया, इस बात को इधर ही खत्म कर देते हैं प्लीज। वाह, मेरी जिंदगी क्या कोई खिलौना है? जब चाहे खेल शुरू कर दिया, जब चाहे खेल बंद कर दिया। मेरी माँ कहती है कि रिश्ते आईने जैसे होते हैं, संभालो नहीं तो टूटते देर नहीं लगती। और आपने हमारे रिश्ते पर ना समझी का कंकर मारकर तरार करती है। चाय पी लीजिए। अगर सुंदर के बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो आपके लिए मेरे हाथों से बनाई हुई ये आखिरी चाय होगी। सुंदर भाई चाय। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएंगे? भाभी पूछ क्या रही हो? मस्त पैकी गर्मा गर्म पोहे बनाओ, नींबू पीड़ के मजा आएगा। हाँ। पोहे पोहे छोड़ो, फाफड़ा जलेबी हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं क्या क्यों नहीं? तुम्हें आता है फाफड़ा जलेबी बनाने? अरे मुझे बनाना थोड़ी है, जाकर लाना है। आपको लाइए ना प्लीज। लाता हूँ। अभी लेकर आएंगे। हाँ? ये बंसीलाल टैक्सी वाले को वक्त पर आ जाना चाहिए। फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ पहुँचा। ए भाई, तुम लोग का खत्म नहीं हुआ अभी तक? 2 दिन में काम खत्म नहीं हुआ ना तो मैं पैसा काट लूंगा तुम लोग का। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ बबीता, बबीता क्या हुआ? अभी के अभी जेठालाल के घर पर चलते हैं। क्यों? देखो हमने 27,000 मोबाइल का पूरा पेमेंट कर दिया, उसने कल का बोलकर कल मोबाइल नहीं दिया, ऊपर से मेरे को बोला कि वो खुद मोबाइल कुरियर कर देगा। तो जब उन्होंने कहा कुरियर कर देंगे तो मतलब कर देंगे ना? मुझे जेठालाल पर भरोसा नहीं है, हम खुद मोबाइल लेकर खुद कुरियर करेंगे। प्लीज है यार बबीता। ओके चलो। चलो बहना मैं चलता हूँ, और गलती से भी मोबाइल पर फोन मत करना, क्योंकि फोन पर हम दोनों रोएंगे तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। देवेन गुड मॉर्निंग। देवेन गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। हेलो बंसीलाल, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा अच्छा तो 1 बजे तक आ जाओगे ना बैग लेके? जरा जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ पहुँचो पहुँचो। हे जीरे अरे सुंदर भाई कैसे हो बेना? ठीक हूँ वीरा, तू कैसा है? बस मजे में हूँ बेना। आप माधवी भाभी के घर रुके हो? हाँ कल भाई दूज था ना, और माधवी भाभी के भाई यहाँ पे आए नहीं थे, तो मैं सोचा मैं भी तो उनका भाई हूँ, तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। हाँ सुंदर भाई आपने मुझे भी तो बहन माना है, कभी मेरे घर में भी आइए ना रहने। आऊंगा आऊंगा। अरे हाँ सुंदर भाई आपको हमारे घर में भी रुकने आना ही पड़ेगा बाबा। अरे सुंदर भाई चलिए नाश्ता आता है तब तक आप नहा लीजिए। चलो मैं ना फिर बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ भिड़े बहन थैंक यू, आप मेरे वीरा का इतना ख्याल रख रही है। अरे थैंक यू क्या इसमें दया भाभी, सुंदर भाई भी तो मेरे भाई जैसे ही है ना। हाँ तो मैं जरा बाय 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 रोशन भाभी बाय। बबीता आज जेठालाल को स्ट्रिक्टली बोलना ही पड़ेगा, आज उसने मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हारे ब्रदर को कुरियर नहीं होगा। कूल यार मिल जाएगा मोबाइल। हाँ जरा भाई और सीढ़ी इधर लाना। क्यों? अरे बाद में मतलब तू ला तो सही इधर जल्दी। हाँ 1 मिनट। अरे इधर से एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा। ओ भाई 2 मिनट जरा अर्जेंट है, काम है ना भाई। हाँ उठाओ उठाओ। हाँ हाँ आराम से आराम से जल्दी ला जल्दी ला। हाँ इधर 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 इधर। थैंक यू अब्दुल। जेठा भाई सीढ़ी से क्यों उतरे? वो मेरी मन्नत है। हाँ? कौन सी मन्नत? ओ जब तक मन्नत पूरी नहीं हो जाती ना तब तक किसी को बताते नहीं है क्या मन्नत है। हाँ? हाँ, चलो। अरे हाथ तो छोड़ यार। अरे जेठालाल जलेबी और फाफड़ा तुम्हारे साले साहब ने मंगाया है। पैसा चाहिए कितना हुआ बोल? ये भाई पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद है ना तो चलो नाश्ता करने। नहीं नहीं खाना नहीं खाना। ठीक है भाई मत आओ, मैं प्यार से नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ फिर भी मना कर रहा है। जेठालाल तुमको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मत समझो भाई, डॉक्टर ने बोला समझने के लिए। क्या बोलते मैं अच्छा सी। जेठालाल दया भाभी जेठालाल किधर है? वो बालकनी में है। बालकनी में? बबीता जी आप बैठिए ना। हाँ जेठालाल दया भाभी, जेठालाल तो बालकनी में नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, वो भी बालकनी में ही थे। लेकिन वो बालकनी से कहाँ गायब हो सकते? हाँ? एक मिनट। हेलो दया भाभी, मैंने ही फोन किया है। हाँ? देखो जेठालाल को बोल देना मैं 12 बजे मोबाइल लेने के लिए आ रहा हूँ। चलो बबीता। ओके। अरे टप्पू के पापा अभी तो बालकनी में आए थे, फिर कहाँ चले गया? क्या करे मेहता साहेब? देखा ना आपने किस तरह से तंबू तोड़ दिया गया, जेठालाल का घर से निकलना पड़ा, सोसाइटी के सामने बड़ी बेइज्जती हुई, खाने पीने के लाले पड़ गए। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब सपना था। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से ये मोबाइल कांड हुआ है, ये सपना कभी भी सच हो सकता है। और गोकुलधाम सोसाइटी ऐसी जगह है जहां सपनों को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। इतना लाइटली मत लीजिएगा इस ख्वाब को, इस सपने को। ये सपना कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में उतर सकता है। हो सकता है कि जेठालाल को घर से निकलना पड़े, ये भी हो सकता है कि जेठालाल को तंबू लगाना पड़े, ये भी हो सकता है कि सारी सोसाइटी के सामने अपमान सहना पड़े, क्योंकि स्थिति बहुत टेंशन वाली है। जेठालाल के लिए अभी इधर भी टेंशन, उधर भी टेंशन, ऊपर भी टेंशन, नीचे भी टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। मोबाइल फोन नहीं हो गया, टेंशन की मशीन हो गया। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके लिए सिर्फ एक चीज है हमारे पास, हंसी मुस्कुराहट उठा के लगातार रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और सोचिए कि क्या होगा आगे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।